अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 28 फॉर द सब्जेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस, द टच स्क्रीन इनपुट, द जॉयस्टिक, द टच पैड, ट्रैक पैड, द बायोमेट्रिक इनपुट डिवाइसेस। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आउटपुट डिवाइसेस। So here are different objectives of this lecture. First of all, we will discuss the definition of output. Then we will see the types of output like soft copy and hard copy. Then I will give you a brief introduction about different output devices. And then we will move to the display devices. And the most important thing is that how we can measure the quality of display devices. Now what is output? Anything that is directed from computer to user is known as output. For example, now this is our computer and this is user. So whenever direction is from computer to user, this is known as output. अगर हम इस direction को reverse कर दें तो ये input बन जाती है, यानी जब user कोई data enter करता है तो वो input होता है, जब user कोई command issue करता है उसको हम input कहते हैं। लेकिन इसके बरक्स जब computer हमें कोई भी चीज़ provide करता है, that is output. Normally output is defined as the processed information. So you can say that information is also output. But sometimes data is also served as output. For example, we have intermediate marks of 1000 students. और ये marks हमने सिर्फ computer में store किए हैं, हम इन marks को देख सकते हैं। अब इससे हमें कोई information तो नहीं मिलेगी कि किस स्टूडेंट का एडमिशन होगा या नहीं, हमें मेरिट लिस्ट का तो नहीं पता चलेगा, लेकिन हम इस डाटा को देख सकते हैं। सो व्हेन एवर एनीथिंग गोज़ फ्रॉम कंप्यूटर टू यूज़र, दैट इज़ नोन एज आउटपुट। अब आउटपुट में क्या चीज़ें आ सकती हैं? डाटा भी आ सकता एंड इंफॉर्मेशन भी आ सकती। सिमिलरली वी कैन हैव टेक्स्ट डाटा, वी कैन हैव न्यूमेरिक डाटा, we can have image data. Similarly we can have textual information, we can have numeric information, and we can have image analysis as well. इसी तरह हमारे पास audio output होती, इस तरह हमारे पास video output होती, इसी तरह हमारे पास graphics भी output के form में आ जाती है। सो हम टेक्स्ट की आउटपुट देख सकते हैं, हम ऑडियो की आउटपुट देख सकते हैं या सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, और ग्राफिक्स या इमेजेस या डायग्राम्स को देख सकते हैं। तो ये बेसिकली आउटपुट की डिफरेंट टाइप्स हैं। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी? दीज आर टू वाइडली यूज टर्म्स इन द डिसिप्लिन ऑफ आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी इज़ इंटेंजिबल, इट मीन्स दैट यू कैन नॉट टच द सॉफ्ट कॉपी। However, on the other hand, hard copy is tangible because it is printed on the paper. So you can simply say that the output that we see on our computer screen is the soft copy, and the output that we see on the printed pages is hard copy. Yeah, for example, इस time पर आप ये video lecture देख रहे हैं तो ये video जो है ये soft copy, और ये जो slides हैं ये भी soft copy में। अगर आप इन slides का print out ले रहे हैं या आप कोई book purchase कर रहे हैं, so book is in the हार्ड कॉपी फॉर्मेट। नाउ ए सॉफ्ट कॉपी इज़ ईजी टू मोडिफाई। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इसके फॉन्ट चेंज कर रहा हूँ, सो आई एम एक्चुअली मोडिफाइंग इट। हार्ड कॉपी इज़ डिफ़िकल्ट टू मोडिफाई। आप हार्ड कॉपी में फॉन्ट्स चेंज नहीं कर सकते, उनकी कलरिंग नहीं चेंज कर सकते। सॉफ्ट कॉपी इज़ ईजी टू शेयर, आप इसको ई मेल कर सकते हैं, यू कैन सेंड इट यूजिंग व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर, यू कैन अपलोड इट ऑन गूगल ड्राइव, बट यू कैन नॉट शेयर हार्ड कॉपी ईजिली।
फॉर शेयरिंग ए हार्ड कॉपी यू हैव, आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी कॉपीज़ करवानी पड़ेंगी, जेरोक्स कॉपीज़ करवानी पड़ेंगी। इन शेयरिंग सॉफ्ट कॉपी नो कॉस्ट इज इन्वॉल्व, ईमेल फ्री है, व्हाट्सएप फ्री है, आप फ्रीली कॉपीज़ को शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने हार्डवेयर के थ्रू हार्ड कॉपी को शेयर करना, तो उसके लिए आपको इसको जेरोक्स कॉपी निकलवानी पड़ेगी, जिस पे आपकी कुछ ना कुछ कॉस्ट इन्वेस्ट होगी। नाउ सॉफ्ट कॉपी इंक्लूड्स ऑल आउटपुट ऑन डिस्प्ले स्क्रीन। जैसे मैंने पहले बताया कि हम कंप्यूटर स्क्रीन पर जो भी आउटपुट देखते हैं वो सॉफ्ट कॉपी है, जैसे कोई PDF बुक, जैसे कोई मूवी, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक पेपर, ये सारी क्या है, सॉफ्ट कॉपी। और इसी तरह वीडियो सॉन्ग्स भी जो हैं वो भी सॉफ्ट कॉपी की फॉर्मेट में आ जाते हैं, ऑल दो वो वीडियो की कैटेगरी में, लेकिन उनको भी हम सॉफ्ट कॉपी में ही व्यू करते हैं, क्योंकि हम वीडियोस को भी एडिट कर सकते हैं। नाउ ए हार्ड कॉपी इंक्लूड्स ऑल आउटपुट फ्रॉम प्रिंटर। जैसे मैंने पहले बताया, इफ़ यू हैव अ प्रिंटेड बुक यू कैन सिंपली से दैट इट इज़ इन हार्ड कॉपी। सो द न्यूज़पेपर्स, द प्रिंटेड बुक्स, द ब्रोशर्स, ऑल आर इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी। नाउ व्हाट आर डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस? एन आउटपुट डिवाइस इज ए हार्डवेयर कंपोनेंट दैट कन्वेज इंफॉर्मेशन टू वन और मोर पीपल, और यू कैन से दैट एन आउटपुट डिवाइस इज ए पीस ऑफ हार्डवेयर दैट कन्वेज इंफॉर्मेशन टू यूज़र, एंड द डायरेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और डाटा इज़ फ्रॉम द कंप्यूटर टू यूज़र। सो वी हैव डिस्प्ले डिवाइसेज, वी हैव प्रिंटर्स, वी हैव स्पीकर्स, हेडफोन्स एंड ईयरबड्स, वी हैव डाटा प्रोजेक्टर्स एंड वी हैव इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड्स। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेज। नाउ वट इज़ ए डिस्प्ले डिवाइस? ए डिस्प्ले डिवाइस इज ऑल्सो नोन एज VDU. VDU stands for Visual Display Unit. Now a display device conveys text, numeric, graphics and video information to user. जैसे अगर इस टाइम पर आप ये स्लाइड देख रहे हैं तो आप वीडियो इन्फॉर्मेशन भी गेट कर रहे हैं, आपको स्लाइड्स की फॉर्म में टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है और साथ आपको इमेजेस भी नज़र आ रही हैं। सो दिस इज़ बेसिकली ए डिस्प्ले डिवाइस। ए डिस्प्ले डिवाइस इज ऑल्सो नोन एज वीडियो डिस्प्ले यूनिट और विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो जस्ट लाइक मोनीटर। नाउ हाउ वी मेजर द क्वालिटी ऑफ डिस्प्ले डिवाइसेस? नो मैटर वी हैव ए CRT स्क्रीन और वी हैव LCD मोनीटर, वी यूज द फॉलोइंग फैक्टर्स फॉर मेजरिंग द क्वालिटी ऑफ डिस्प्ले डिवाइस। नाउ द फर्स्ट फैक्टर इज रेजोल्यूशन। Now what is resolution? Resolution is the number of horizontal and vertical pixels in a display device. आपके पास कोई LCD TV है, LED monitor है, laptop screen है या mobile phone की screen है, हर एक की कोई ना कोई resolution है। So resolution is the number of horizontal and vertical pixels in display devices. Now what is a pixel? Now here is our मॉनिटर स्क्रीन और डिस्प्ले स्क्रीन। डिस्प्ले स्क्रीन इज़ कंपोज्ड ऑफ टाइनी डॉट्स, कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि इन टाइनी डॉट्स को हम पिक्सल्स कहते हैं या पैल कहते हैं, यानी पिक्चर एलिमेंट। इसका मीनिंग क्या है कि हमारे पास जो डिस्प्ले स्क्रीन है वो डिफरेंट सेल्स में डिवाइडेड है, वर्टिकली भी सेल्स में डिवाइडेड है और हॉरिजेंटली भी सेल्स में डिवाइडेड। सो दिस इज बेसिकली द रेजोल्यूशन, दैट आवर डिस्प्ले स्क्रीन इज कम्पोज ऑफ टाइनी सेल्स। दीज सेल्स आर कम्पोज बाय द इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल रोज। नाउ ईच सेल रिप्रेजेंट्स ए पिक्सल। सो वी हैव पिक्सल्स हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली एज वेल। सो ये आपके सामने जो एक स्मॉल पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, दैट इज़ बेसिकली ये पिक्सल। सो ये पिक्सल्स आप देखें तो हॉरिजेंटली भी एग्जिस्ट कर रही और वर्टिकली भी एग्जिस्ट कर रही।
यू कैन ऑल्सो डिफाइन द रेजोल्यूशन एज द टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स इन ए स्क्रीन. सो इट मीन्स दैट इफ़ यू हैव ए हायर रेजोल्यूशन, इट मीन्स दैट यू हैव अ ग्रेटर नंबर ऑफ पिक्सल्स, द पिक्चर क्वालिटी विल बी एक्सीलेंट. सो जितनी ज़्यादा रेजोल्यूशन होगी उतनी ही बेटर आपकी पिक्चर क्वालिटी होगी. अगर आप इसको देखना चाहें तो आप डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें एंड यू गो टू स्क्रीन रेजोल्यूशन. सो दिस इज़ बेसिकली डिफरेंट ऑप्शंस फॉर द रेजोल्यूशन. लेकिन जितनी ज़्यादा रेजोल्यूशन होगी उतनी ही पिक्चर क्वालिटी जो है वो बेटर होगी. सो पिक्सल एग्जिस्ट हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली एंड रेजोल्यूशन इज ऑलवेज मेजर्ड इन विड्थ मल्टीप्लाई हाइट फॉर्मेट. इट मीन्स दैट इफ यू हैव अ रेजोल्यूशन ऑफ 1024x768, यू कैन से दैट देर आर 1024 पिक्सल्स इन द विड्थ एंड देर आर 768 पिक्सल्स इन द हाइट. सिमिलरली इफ यू हैव अ रेजोल्यूशन ऑफ 1920x1080, यू कैन से दैट देर आर 1920 पिक्सल्स विड्थ वाइज एंड देर आर 1080 पिक्सल्स इन हाइट. सो इन दिस एग्जाम्पल दिस रेजोल्यूशन इज क्लियरली बेटर देन दिस रेजोल्यूशन. अगर आपने देखना कि ये किस तरह से बेटर है, आप इन दोनों क्वान्टिटीज़ को मल्टीप्लाई करें तो जो क्वान्टिटी आपके पास ग्रेटर आएगी वो क्वान्टिटी जो है वो बेटर रेजोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेगी. नेक्स्ट वी हैव द एस्पेक्ट रेशो. सो एस्पेक्ट रेशो इज़ अनदर पैरामीटर फॉर मेजरिंग द क्वालिटी ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन. नाउ व्हाट इज एस्पेक्ट रेशो. नाउ व्हाट ए डिस्प्ले स्क्रीन डज फॉर अस. ए डिस्प्ले स्क्रीन प्रोजेक्ट्स पिक्चर्स फॉर अस. यानी ये हम डिस्प्ले स्क्रीन हमें पिक्चर्स डिस्प्ले करवाती है. नाउ एस्पेक्ट रेशो डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्शन. हाउ गुड द पिक्चर इज बीइंग प्रोजेक्टेड और हाउ बैड द पिक्चर इज बींग प्रोजेक्टेड. सो हेयर इज द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ द एस्पेक्ट रेशो. द एस्पेक्ट रेशो ऑफ एन इमेज इज द रेशो ऑफ इट्स विड्थ टू इट्स हाइट. सो एस्पेक्ट रेशो इज एक्सप्रेस्ड इन टू नंबर्स दैट आर सेपरेटेड बाई कॉलन जस्ट लाइक 16:9. सो यू कैन से दैट 16 नंबर defines the width and 9 defines the height. So this ratio is the aspect ratio. So if you have an aspect ratio of x colon y, you can say that the image is x units wide and y units high. Here are some common aspect ratios. Although we have a 4:3 aspect ratio, we have a 2:2 aspect ratio, but nowadays common aspect ratios are 16:10 and 16:9. Now what is 16:10? 16:10 is the aspect ratio mostly used for computer displays and tablet computers. इसी वजह से हम कहते हैं कि जो हमारे आजकल के मॉनिटर्स हैं वो वाइड स्क्रीन है या LCD TV जो हैं वो वाइड स्क्रीन है. क्यों? उसकी वजह यह है कि उनकी एस्पेक्ट रेशो ये डिफाइन करती है कि उनकी विड्थ जो है वो 16 यूनिट्स है और हाइट जो है 10 यूनिट्स है. So when the width is long enough, you can say that it is a wide screen. However, if we have aspect ratio of 16:16, so you can say that the height is equal to the width. So this इसको हम basically square screen बोलते थे. पहले हम square screen use करते थे, लेकिन आजकल हम aspect ratio 16:10 को use करते हैं या 16:9 को use करते हैं because it is wide screen. So you can say that the width of the display is 1.6 times its height. Clearly width is larger than the height, so this is basically wide screen. Now what is 16:9? 16:9 is also a wide screen display and it is international standard for high definition televisions and non high definition digital televisions and analog wide screen televisions as well. So you can say that our computer screens have 16:10 aspect ratio and our HD televisions or non-HD televisions have 16:9 aspect ratio. Similarly, many digital video cameras also offer you aspect ratio of 16:9. Now this aspect ratio suits our eyesight. अगर आप कभी देखें कि जब आप किसी चीज़ को व्यू करते हैं, किसी दीवार को देखते हैं, तो आपको उसकी कंप्लीट विड्थ नज़र आती है एक ही व्यू में. हाइट बेशक आपको कंप्लीट व्यू में नज़र ना आए. सो इट मीन्स योर आई
matches the aspect ratio of this. That's why we get better results on a widescreen display. Now what is the response time or refresh rate? This is another mechanism for measuring the quality of display devices. अगर हम अपने LCD या मोनीटर स्क्रीन को देखते हैं तो बेसिकली मोनीटर स्क्रीन सीम्स टू बी स्टिल, बट एक्चुअली आवर मोनीटर स्क्रीन्स अपडेट्स मैनी टाइम्स इन ए सेकेंड. सो ए रिफ्रेश रेट इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स योर मोनीटर स्क्रीन अपडेट्स विद न्यू इमेज इन ए सेकेंड. सो दिस इज़ ऑल्सो नोन एज ए रिफ्रेश रेट और रिफ्रेश फ्रीक्वेंसी. For example, if you have a 60 Hz refresh rate, it means that your display screen is being refreshed 60 times in a second. आप इसको redraw भी कह सकते हैं. जो हमारे computer screens हैं ये still नहीं हैं, ये images को redraw करती हैं. So अगर आप screen resolution में जाएँ, यहाँ पर advanced settings में जाएँ, monitor पर जाएँ, तो यहाँ पर आपको रिफ्रेश रेट नज़र आ रहा. सो 40 हर्ट्ज इज़ ए स्लोअर रिफ्रेश रेट एंड 60 हर्ट्ज इज़ ए ग्रेटर रिफ्रेश रेट. सो जितना ज़्यादा रिफ्रेश रेट होगा उतनी ही बेटर और स्मूथ पिक्चर होगी. चेंजिंग योर रिफ्रेश रेट वाज मोर इम्पॉर्टेंट ऑन ओल्डर CRT मोनीटर्स, क्योंकि CRT मोनीटर्स जो थे वो लो रिफ्रेश रेट प्रोवाइड करते थे और उसकी वजह से फ्लिकरिंग भी करते थे. सो इस फ्लिकरिंग से बचने के लिए आपको रिफ्रेश रेट हायर करना पड़ता था. सो ए हायर रिफ्रेश रेट एलिमिनेट्स द विजुअल फ्लिकरिंग. नाउ वी हैव अनदर पैरामीटर दैट मेजर्स द क्वालिटी ऑफ डिस्प्ले डिवाइस एंड दैट पैरामीटर इज ब्राइटनेस. नाउ ब्राइटनेस मेजर्स द अमाउंट ऑफ लाइट द LCD मोनिटर प्रोड्यूसेस. Or you can say that brightness is an attribute of a visual perception in which a source appears to be radiating or reflecting a light. Just like अगर आप ये power option पर देखें तो यहाँ पर आपको screen brightness का option नज़र आता. So you can change the screen brightness to lower value or a higher value. Now this is brightest and this is the darkest. So this is basically the brightness. जितनी ज़्यादा brightness आपकी screen provide करेगी उतना ही आपको उससे एडवांटेज हासिल होगा कि आप उसको डिफरेंट वर्किंग एनवायरनमेंट्स में इजीली यूज़ कर सकेंगे. द नेक्स्ट पैरामीटर दैट वी हैव टू मेजर द क्वालिटी ऑफ डिस्प्ले डिवाइसेस इज डॉट पिच. डॉट पिच इज आल्सो नोन एज ए लाइन पिच और स्ट्राइप पिच और फॉस्फोर पिच. नाउ टेक अ लुक एट दिस एग्जाम्पल. यहाँ पर आपको ये पिक्सल्स बहुत क्लोजली नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर हम एक्चुअल मॉनिटर की लेआउट ड्रॉ करें तो उसमें बेसिकली इस तरह से पिक्सल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं. ऑल्दो ऑल द पिक्सल्स आर आइडेंटिकल. सो द मेन थिंग इज दैट हेयर वी हैव ए स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन टू पिक्सल्स. सो डॉट पिच डिफाइंस और डिस्क्राइब्स द डिस्टेंस बिटवीन individual pixels. So you can say that the distance between two consecutive pixels is known as dot pitch. So अगर हमारे पास distance ज़्यादा होगा तो क्या होगा? अगर आप इस scenario को देखें तो यहाँ पर हमारे पास clearly 4 pixels आ रही. अगर dot pitch ज़्यादा हो जाएगा इट मीन्स दैट वी कैनॉट अकोमोडेट 4 पिक्सल्स हेयर. सो यहाँ पर कितने पिक्सल्स आ जाएंगी? 3 आ जाएंगे. सो इट मीन्स दैट ग्रेटर द डिस्टेंस लेसर इज द क्वालिटी ऑफ इमेज. और यू कैन से दैट इफ द डिस्टेंस इज ग्रेटर देन द रेजोल्यूशन विल बी लोअर. सो डॉट पिच इज मेजर्ड इन मिलीमीटर्स एंड अ स्मॉलर डॉट पिच मीन्स वी हैव शार्पर इमेजेस. The next parameter is the contrast ratio. Now what is a contrast ratio? Contrast ratio is the difference between the brightest a TV or a monitor screen can be and the darkest it can be. जैसे for example मैंने आपको बताया कि यहाँ battery option से हम brightness पर चले जाते हैं. So this is brightness and this is the darkest. अब इनमें जितना ज़्यादा आपके पास पॉइंट्स होंगे उतने ही ज़्यादा आपके पास कंट्रास्ट की
कैपेबिलिटी होगी। और अगर यहाँ पर आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस हों, सो यू हैव बेसिकली ए लिमिटेड कंट्रास्ट। नाउ द कंट्रास्ट रेशियो इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए डिस्प्ले सिस्टम डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द ब्राइटेस्ट कलर टू दैट ऑफ द डार्केस्ट कलर, दैट इज ब्लैक कलर। ए कंट्रास्ट रेशियो इज ए डिजायर्ड एस्पेक्ट ऑफ एनी डिस्प्ले डिवाइस। अगर आपके पास कंट्रास्ट रेशियो एक्सीलेंट होगी तो आपको डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट ब्राइटनेस लेवल्स यूनिकली नज़र आएंगे। अगर कंट्रास्ट रेशियो कम होगी तो आपको डिफरेंट कलर्स डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम आएगी। नाउ दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ कंट्रास्ट रेशियो। नाउ दिस इज़ द ब्राइटेस्ट एंड दिस इज़ द डार्केस्ट। द नेक्स्ट पैरामीटर इज़ द कलर्स। जैसे आप देख रहे हैं कि हम स्लाइड्स देख रहे हैं तो स्लाइड्स में हमें कलर्स नज़र आ रहे हैं, हमें टेक्स्ट में कलर नज़र आ रहा है, हमें यहाँ आइकन्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आपको मेन्यू में कलर्स नज़र आ रहे हैं। सो कलर इज़ वेरी डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी इन एनी डिस्प्ले डिवाइसेस। ए मोनीटर दैट इज़ कैपेबल ऑफ डिस्प्लेइंग मोर कलर्स और मैनी कलर्स इज़ ऑलवेज गुड। जैसे हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल है मोनोक्रोम मॉनिटर की। नाउ व्हाट इज़ ए मोनोक्रोम मॉनिटर? ए मोनोक्रोम मॉनिटर कैन डिस्प्ले ओनली टू कलर्स, वन फॉर द बैकग्राउंड एंड वन फॉर द फोरग्राउंड, बिकॉज इट यूजेस ए सिंगल कलर। बट नाउ डेज आवर मॉनिटर्स, एलसीडी स्क्रीन्स, एलईडी टीवीज, मोबाइल स्क्रीन्स आर ऑल मल्टी कलर मॉनिटर्स। So what is the concept of coloring? Now let's get back to the concept of pixels. Why an image consists of pixels? An image is composed of pixels. ये हमें already पता। Now each pixel has a associated color value. अगर आप किसी भी image को open up करके देखें तो आपको उसमें boxes नज़र आएंगे। For example, मैं यहाँ पर snipping tool से एक image को snip करता हूँ, इस image को मैं save करता हूँ desktop पर और मैं इस इमेज को ओपन करता हूँ। अब मैं इसको अगर जूम इन करूँ तो आपको एक पॉइंट पर डॉट्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे। सो हेयर आर इंडिविजुअल डॉट्स एंड यू कैन सी क्लियरली दैट ईच बॉक्स कंटेन्स अ डिफरेंट कलर। द ब्लू शेड हेयर इज डिफरेंट फ्रॉम द शेड हेयर, सिमिलरली द पिंक शेड हेयर इज डिफरेंट फ्रॉम दिस शेड एंड दीज आर ऑल आइडेंटिकल कलर्ड पिक्सल्स। So this box is basically a pixel. So you can clearly see that each pixel displays a color, or you can say that each pixel has a associated color value. Now how a color value is calculated? As we have discussed earlier that colors are made with the combination of three colors, red, green and blue. This is known as the RGB model. So we mix out different intensities of red color, green color and blue color and different colors are created. So जब हम Adobe Photoshop या Corel Draw का practical करेंगे उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि ये color values जो हैं हम कैसे कर सकते हैं। अगर आप यहाँ paint में भी देखना चाहें so यहाँ पर आपको ये colors नज़र आ रहे हैं and here is the red, green and blue value. So if I type 161 and type 255 एंड टाइप 3, सो दिस इज़ बेसिकली द कलर। जैसे आप ये कंपोनेंट्स को चेंज करते जाएंगे कलर वैल्यूज जो हैं वो चेंज होती जाएंगी। सो दिस इज़ बेसिकली द रेड ग्रीन ब्लू मॉडल। सो एवरी पिक्सल कंटेन्स ए कलर वैल्यू। सो ईच मोनीटर और डिस्प्ले डिवाइस शुड बी एबल टू प्रोड्यूस डिफरेंट नंबर ऑफ कलर्स। अगर हमारे पास कोई इमेज है जिसमें रिच नंबर ऑफ कलर्स हैं लेकिन हमारे पास मोनीटर ऐसा है जो कम कलर्स प्रोड्यूस करता, सो वी विल गेट ए बैड इमेज क्वालिटी। सो इफ वी हैव द ग्रेटर नंबर ऑफ कलर्स वी विल हैव ए बेटर क्वालिटी। नाउ हाउ वी मेजर द नंबर ऑफ कलर्स? एज यू ऑलरेडी नो दैट कंप्यूटर स्टोर्स डाटा इन डिजिटल फॉर्मेट एंड दैट इज बाइनरी डिजिट फॉर्मेट और बिट फॉर्मेट। सो द सेम थिंग इज यूज फॉर मेजरिंग द कलर्स। फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर यूजिंग 8 बिट्स टू स्टोर कलर इंफॉर्मेशन, दिस विल मीन दैट वी विल हैव ए टोटल ऑफ 256 कलर्स एंड वी विल से दैट वी आर यूजिंग 8 बिट कलर सिस्टम।
जैसे अगर हम इसी एग्जांपल पर वापस आएं और मैं यहाँ कलर्स में जाकर वैल्यू देता हूँ 300, जैसे ही मैंने 300 लिखा उसने मैक्सिमम वैल्यू क्या कर दी, 255। इस तरह मैं यहाँ पर लिखता हूँ माइनस, माइनस वो मुझे टाइप नहीं करने देता। मैं यहाँ पर फिर लिखता हूँ 256, अगेन द मैक्सिमम वैल्यू इज़ 255। सो इट मीन्स दैट वी आर यूजिंग द 8-bit कलर सिस्टम। एंड क्लियरली इफ़ वी आर यूजिंग 8 bits टू रिप्रेजेंट ए कलर, सो इट मीन्स दैट वी हैव 8 bits फॉर रेड कलर, वी हैव 8 bits फॉर ग्रीन कलर, एंड वी हैव 8 bits फॉर ब्लू कलर। सो वी कैन हैव 256 डिफरेंट शेड्स ऑफ ए रेड कलर, वी हैव 256 डिफरेंट शेड्स ऑफ ए ग्रीन कलर एंड ब्लू कलर, एंड व्हेन दी शेड्स मिक्स अप वी हैव डिफरेंट नंबर ऑफ कलर्स। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो यूज द 16-bit कलर सिस्टम एंड 24-bit सिस्टम। नाउ द 24-bit सिस्टम इज नोन एज द ट्रू कलर। अब इस ऑप्शन को आप कहाँ से देख सकते हैं, सिंपली गो टू डेस्कटॉप, राइट क्लिक एंड गो टू स्क्रीन रेजोल्यूशन। नाउ हेयर यू सी वी हैव एडवांस सेटिंग एंड वेयर हेयर वी हैव मोनिटर एंड कलर। सो वी आर यूजिंग द 32-bit ट्रू कलर सिस्टम। Also we have a 16-bit high color system. So यहाँ से हम coloring मैयर कर सकते हैं और देख सकते हैं। The last thing we have is the GPU. GPU is known as the graphical processing unit. It is a separate processor in our computer systems that controls the manipulation of graphics and display devices. Now the graphical processing unit generates graphical signals and sends these signals to LCD monitors or DVI port or an HDMI port or a display port so that these signals can be translated into equivalent display and colors. So आप graphical processing unit को simple words में graphic card भी कह सकते हैं, ग्राफिक अडाप्टर भी कह सकते हैं। सो हेयर आर डिफरेंट आल्टरनेट नेम्स, वी कैन यू कैन कॉल इट ए ग्राफिक कार्ड और ए वीजी कार्ड और ए डिस्प्ले अडाप्टर और ए 3D कार्ड और ए गेमिंग कार्ड। ऑल दीज आर आल्टरनेट नेम्स फॉर द GPU। सो हेयर आर डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ ए ग्राफिक अडाप्टर, यू हैव द CGA, द MCGA, the VGA, SVGA, XGA and UGA. Here these are few different flavors of the graphic adapter. Now what are the common display devices? Monitor is the most common display device, or VDU is the most common display device. Similarly, some of us use HD televisions as display devices. In classes we use multimedia projector to display the slides or a video or to demonstrate different practical tasks to student. So here was our lecture on the introduction to display devices and how we can measure the quality of display devices. In the next lecture we will discuss about different types of display monitors.